अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज हम लोग व्लॉग जो शुरू कर रहे हैं वो शाम से कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे, सब ठीक है? करो टाइम को स्पेंड करो। हम लोग जो है ना उज़्बेकिस्तान के व्लॉग्स देख रहे हैं। दिस इज़ रियली नाइस, बहुत अच्छा शहर है बांग्लादेश। उज़्बेकिस्तान में जाना चाहिए बांग्लादेशी भाई यूट्यूबर, तो वो एवरी डे एक ब्लॉग देते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं रेगुलरली। उज़्बेकिस्तान भी विजिट करना चाहिए, बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत पीसफुल है, पीसफुल मुस्लिम कंट्री, पीसफुल अच्छे लाइफ है। हमारा देश पता नहीं ऐसे कब होगा। और आज हम लोग अपनी जो है ना आइसलैंड की वीडियो मैं शेयर करूंगी, लिंक पे आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग देख रहे थे और हमारा बहुत दिल कर रहा है कि हम लोग आइसलैंड जाएं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और वो मेमोरीज हमारी जो है ना, है ना, आइसलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है, आइसलैंड बहुत अच्छे अच्छे मुल्क है। लाइक आइसलैंड लाइक ऐसे एक मुल्क है, आप मार्च में आ गया ना? कोई ट्री नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती है वहाँ पे ना। सिर्फ गाड़ी रेंट करो और लाइफ एंजॉय करो, बस इट। लाइफ एंजॉय करो, गाड़ी रेंट करो, खाना पीना खाओ, जिंदगी एंजॉय करो। आइसलैंड इतना खूबसूरत, बहुत अच्छा। ओके, अल्लाह ये देखेंगे। ये डेकोरेशन पीस मैं लेके आई थी बांग्लादेश से, तो ये बहुत खूबसूरत है। ये लैंप है, लाइट जलते हैं बहुत, और इसकी लाइट चलती है। लेकिन अभी हमने देखा है कि देखें इस तरह यहाँ पे जॉइंट है, आई थिंक ये जॉइंट है, इन लोगों ने लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ था, बिकॉज घर में स्टैचू नहीं रखने चाहिए। तो ये यहाँ से जो है इसका जॉइंट खुल गया था, तो अभी फिर इसको मैंने, मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने दोबारा लगाया है इसको। और ये देखें, और ये अब जुड़ गया है। सो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं इतने प्यार से और इतने एहतियात से इसको लेके आई थी, लेकिन टूट गया था। सो अब ये जुड़ गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं, इट्स अ नाइस चैनल, उनका चैनल मतलब काफी सब्सक्राइबर है, बट वो मोनेटाइज नहीं किया हुआ उन्होंने चैनल, जस्ट फॉर मींस के ही डोंट मोनेटाइज इट, बट इट्स रियली नाइस डेली ना वहाँ पे, आई थिंक एनजीओ के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। सो इट्स रियली नाइस, मैं लिंक दूंगी आप लोगों को। सो उज़्बेकिस्तान की लाइफ के बारे में है, साउंड ऑफ साइलेंस, राइट, नाम बड़ा अच्छा चैनल का, बट इट्स रियली नाइस, एवरी डे वो लोग व्लॉग दे रहे होते हैं। तो आज मैं करने गई थी जी ग्रॉसरी, और ये घर के पास ही है मेरी ग्रॉसरी। मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा सॉस घर में होनी चाहिए, जैसे काफ़ी अर्सा हो गया है। मैक्रोनी जो है वो हम मैंने नहीं बनाया, तो मैक्रोनी लेके आई थी। इसके साथ साथ सैंडविचेस बनाने थे तो पिकल लेके आई थी, और घर में कोई अच्छी सी जेली जो है वो नहीं है तो वो लेके आई थी। अच्छा, ये जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं ना, ये भी बड़े काम किए हैं, फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं। सैंडविच के लिए जो है वो लेटेस्ट लेके आई थी, और मैंने सोचा कि चाउमन बनाऊंगी, उसके लिए मैं ये कैप्सिकम लेके आई थी और कैरेट्स लेके आई थी, और बर्गर के लिए पन लेके आई थी। और मैं बनाऊंगी जी एग का कोरमा, उसके लिए मैं लेके आई थी कोकोनट मिल्क। एग की बहुत मज़ेदार किस्म की बांग्लादेशी जो है वो करी मैं बनाती हूँ। सो यहाँ पे देखें जी, मीना आ गई थी और मीना ढूंढ रही थी कि उसके लिए मैं क्या लेके आई हूँ, हालांकि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। और मैं जो है वो कीमा जो है वो बना के चली गई थी। आज मैं कीमे की जो है पैटीज बनाऊँगी, और मैं बनाऊँगी जी दही बल्ले, उसके लिए मैंने दही बल्लों का जो है बटर बना के रख दिया था। और मैंने आज माश की दाल के नहीं बल्कि बेसन के बनाए थे दही बल्ले, और काफ़ी अर्सा हो गया था, बस रोज़ ही कहती हूँ कि बनाने हैं, लेकिन ना याद नहीं रहता। तो आज मैंने ये देखें जी दही बल्ले बना लिए थे, और पैटीज, चिकन पैटीज जो थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और इकरा ने जो है वो ब्रेड को एयर फ्रायर में जो है टोस्ट कर लिया था। और आज का जो लंच है वो ये था, हमेशा दिल नहीं ना करता बंदे का कि बंदा रोटी बना रहा हो और राइस खा रहा हो, इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी जो है लाइट सी चीज़ें भी खानी चाहिए। और बच्चों को बहुत पसंद आई आज की ट्रीट, लेकिन ये बहुत ही जो है वो
ना आसान होता है ना कि बस आप पैटीज बना लो और साथ में आप इनको बन को गरम कर लो, और एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। और लेकिन अगर आप बाहर से यहाँ से लो ना, तो ये जितने बर्गर मैंने बनाए थे ना, ये ऑलमोस्ट जो है वो $200 के आने थे, क्योंकि आजकल जो अच्छे वाला बर्गर है वो तकरीबन $20 का, $15 का मिलता है। तो फिर बाहर से तो बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा प्राइसेस होती हैं हलाल बर्गर्स की। तो यहाँ पे जो है मैं शाम के टाइम जो है बना रही हूँ डिनर, और मैंने ये साबित गरम मसाला जो है यहाँ पे फ्राई कर रही थी, और एग्स को बॉईल करके इनको फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर मैंने इसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड करना है, इसके अंदर धनिया और ज़ीरा ऐड करना है, नमक, और इसके अंदर हमने मिर्चें और हल्दी नहीं डालनी। और ये बहुत सिंपल सी कोकोनट की कड़ी होती है, जो कि पुलाव या बीफ पुलाव के साथ या मटन पुलाव के साथ या चिकन पुलाव के साथ या सिंपल प्लेन पुलाव के साथ भी जो है बहुत मज़े की होती है। और मेरे हस्बैंड जो इनकी तो मोस्ट फेवरेट है ये। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर जो है ज़ीरा और धनिया जो है ना सूखा, वो मैं अब बिल्कुल जो है वो पीस के जो है इसके अंदर डालूँगी, और फ्रेश डालूँगी। जो फ्रेश होता है ना उसका अपना एक टेस्ट होता है। और देखिए जैसे कि इमली भी भिगो के रखी हुई थी मैंने, और ये जी मेरा खाना देखें रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का था। मेरी नन भी आई हुई थी, और मैंने जो है अपनी सास अम्मी को भी पैक करवा के भेजा था। सो आज का जी डिनर और लंच तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जस्ट रेगुलर रूटीन। और देखें यहाँ पर गर्मी कितनी है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।